हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा भी दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसी के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो आया ये यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, तो ये UPHESC के थ्रू आया है। और यहाँ पे जो लिंक, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो इसका लिंक है वो है UPHESC51.com। अपनी रजिस्ट्रेशन जैसे आप जो है गूगल पे डालेंगे तो आपको इस टाइप का जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप जो है फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट देख लेते। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में मेंशन कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे डेट्स क्या हैं, आप कैसे से ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, कितना एप्लीकेशन फ़ी है, कितना सीट्स है हर कॉलेज में, इसके अलावा आपका सैलरी कितना रहेगा और आपका जो एज कितना होना चाहिए। तो इस वे में आपको यहाँ पे जो है सारा जो डिटेल है वो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो चलिए हम देख लेते हो डिटेल। तो स्टार्ट डेट जो 9 जुलाई है 2022 और फीस जमा करने की जो स्टार्ट डेट वो भी 9 जुलाई है। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की रजिस्ट्रेशन की वो 7 अगस्त है, और एप्लीकेशन फ़ी को पे करने की लास्ट डेट है 8 अगस्त, और सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 अगस्त है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है आपको पूरा 1 मंथ दिया गया है। तो यहाँ पे बात करें अगर वैकेंसीज की तो यहाँ पे आपको 917 वैकेंसी जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट में दी जाए निकाली गई है। तो आप जो है यहाँ पे जो है टोटल वैकेंसी जो 917 है और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट में वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है आप या तो www.uphesc.org पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या आप www.uphesc51.com पे जाके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो टोटली ऑनलाइन है, तो यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन ही जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते तो आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2000, तब भी आपको 2000 देना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC या ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको टैक्सेस इन्होंने मेंशन कर रखा, कितने टैक्स आपको आपसे लिया जाएगा। तो अगर रुपे डेबिट कार्ड से आप जो है अपना एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे जो चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप UPI से करेंगे तब भी आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, मास्टर वीज़ा का अगर आप यूज़ करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे, या आप जो वैलेट्स का यूज़ करेंगे या चालान का, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसीलिए आप UPI या आप जो है रुपए का डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप उससे जो है अपना एप्लीकेशन फ़ी को पे करें। तो यहाँ पे अगर बात करें आपका एज का, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज उन्होंने मेंशन कर रखी 62 ईयर्स, और यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा 15,639,100 ग्रेड पे से। तो ये नॉर्मली सारे जहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम ग्रेड पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आप OBC हो या SC ST, तो वहाँ से भी आपको जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है वो सारा रिजर्वेशन जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे देखिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटी एजुकेशन लॉ सोशल साइंसेज, इस तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। साथ ही आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट में ये CSIR या UGC नेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले किया है तो आपका PhD जो है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, और आपके थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ने इवेलुएट किया होना चाहिए। आपका PhD बाय वॉइस होना चाहिए, आपके मिनिमम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके PhD वर्क से, और आपका जो है एटलीस्ट 2 पेपर्स होने चाहिए आपके जो है PhD वर्क से, और या आपने जो कॉन्फ्रेंस जो है वो या सेमिनार जो आपने जो है वो दिए हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने फॉरेन से अपना PhD कंप्लीट किया है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने PhD लाइक कंप्लीट किया है वो टॉप 500 रैंकिंग में होनी चाहिए, और जो रैंकिंग वैलिड है वो आपका QS, द ARWU या संघाई रैंकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी एलिजिबिलिटी है, तो आप इस एलिजिबिलिटी को देख लें कि आप जिस भी एलिजिबिलिटी में आप जो है फिट हो रहे हैं, या आप जिस भी
फॉर्म को भर रहे हैं, अगर आप उसमें फिट हो रहे हैं तभी आप जो उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वो ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट जो है सब्जेक्ट यहाँ मैंसन कर रखे हैं कि इसकी इस सब्जेक्ट में अगर सपोज हिंदी है तो आपका जो अगर आपने अपना एमए लिंग्विस्टिक में भी किया तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे और किस सब्जेक्ट में आपकी क्या एलिजिबिलिटी वो भी यहाँ पे क्लियरली मैंसन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देख ले बात कर लें यहाँ पे बॉटनी की, तो बहुत लोगों के पास क्या होता है एमएससी बॉटनी होता है, लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं वो एमएससी अपना प्लांट साइंस से किए होते हैं या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी किए हैं, तो ये लोग भी जो हैं इनमें अप्लाई है। तो ये आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो गया है कि अगर आपके पास एमएससी प्लांट साइंस में या एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में तब भी आप जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वे में आप जो है अपना जो है इक्विवेलेंट लाइक सब्जेक्ट जो है वो भी यहाँ पे देख के जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना उसका पूरा यहाँ पे डिटेल दे रखा है, तो आप इस डिटेल पर पढ़ सकते हैं कि आपको जो है कैसे जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, तो वो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ हम देख लेते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको जो है रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो कैसा रहेगा, तो आपका चयन कैसे हो, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो आपका लाइक चयन होगा वो आपका रहेगा कि आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 200 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से जो आपका जनरल नॉलेज रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा और वैकल्पिक जो यानी कि आपका एक सब्जेक्ट से लेके जो भी सब क्वेश्चन रहेंगे वो 140 मार्क्स रहेगा, और यहाँ पे जो इंटरव्यू का मार्क्स वो 30 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 100 रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन ईच इज हैविंग 2 मार्क्स, तो वो आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, रिमेनिंग 70 विल बी फ्रॉम योर सब्जेक्ट, तो इट विल ऑल्सो बी ऑफ 2 मार्क्स। तो यहाँ पे टोटल जो आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जो है यहाँ पे 30 अंक जो अंक का यानी 30 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा, तो टोटल आपके यहाँ पे 230 मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दे रखी कि आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अगर आपने अपना जो है रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे कुछ इन्होंने जो है निर्देश दे रखे हैं, तो यहाँ पे जैसे अगर आप जो हैं जनरल ईडब्ल्यूएस लाइक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे तो आपको 800 रुपीज़ जो है वो आपको पे करना पड़ेगा इंटरव्यू फी, वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 400 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने होंगे, आपको हाई स्कूल का आपका मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, और आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लगेगा इंटरमीडिएट का। तो इसमें में आप जो है यहाँ पे सारा डिटेल इन्होंने मेंशन कर रखा कि आपको जो है इंटरव्यू में क्या क्या ले जाना चाहिए। ये तो बात की बात है, पहले इस आप जो है रिटर्न एग्जाम पे क्लियर करिए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम की बात की ये बात है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए इन्होंने मैंसन कर रखा है कि कहाँ पर किस कॉलेज में सॉरी किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि जो है महिला विश्वविद्यालय में कितने पद हैं, वहीं अगर जो है कॉमन जो लाइक महाविद्यालय उसमें कितने कितने जो है वैकेंसी है। तो इस वे में आप यहाँ पे जो देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो पूरा इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, 917 जो है यहाँ पे टोटल जो है वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लाइक कॉलेजेस में कितनी वैकेंसीज किस सब्जेक्ट में और किस कैटेगरी में, वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो ये भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा इन्होंने डिटेल में दे रखा है, तो आप यहाँ पे जो है पूरा आप जो है देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंसीज हैं, तो इसमें मैं आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा इन्होंने पूरे क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आप अगर इस नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको UPSC की जो वेबसाइट है उस पर जाके जो है आप जो है ये फॉर्म जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारा जो एडवर्टाइजमेंट भी देखा, बाकी सब जो है फॉर्म दे रखे हैं डिसेबिलिटी अगर आपको है तो वो फॉर्म रहेगा, तो इसमें मैं आपको यहाँ पे जो जो टोटल डिफरेंट टाइप के फॉर्म दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख लें यहाँ पे एलिजिबिलिटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी एलिजिबिलिटी, तो आप एलिजिबिलिटी भी अपना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे जिस भी सब्जेक्ट आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप लाइक रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले अगर आपको आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के जो है अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जो है अप्लाई ऑनलाइन पे जाके जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।